तो आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी है, गोधूली, यानी कि पहला हिंदी आप लोगों का। और ये पाठ 10 है, जिसका पार्ट 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में आप लोग पार्ट 1 में लेखक का परिचय पढ़े थे, पार्ट 2 में पूरे कहानी को पढ़े, और पार्ट 3 में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जो भी इस चैप्टर से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको इसमें बताया गया है, आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। पाठ का नाम है मछली और लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। अगर आप लोगों ने कहानी को अच्छे से समझाया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो होता है वो बहुत ही इजी लगता है। हमारा पहला प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? किस वर्ग का चित्रण का अर्थ होता है कि जैसे कि होता है उच्च वर्ग, एक होता है निम्न वर्ग और एक होता है मध्यम वर्ग। क्या होता है? जिस मध्यम वर्ग का अर्थ है मिडिल क्लास के लोग, जिसमें हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक है उच्च वर्गीय परिवार, बी है निम्न वर्गीय परिवार, सी है निम्न मध्य वर्गीय परिवार और डी है मध्य वर्गीय परिवार। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, मतलब किस वर्ग के लोगों की बात की गई है? क्या धनी मनी लोगों की बात की गई है, क्या बहुत गरीब लोगों की बात की गई है? तो यहाँ पे बात हुआ है निम्न मध्य वर्गीय, मतलब कि कम भी है और मिडिल क्लास के लोग हैं। क्योंकि मछली के लिए लड़ना झगड़ना किनके घर में होगा, जो मिडिल क्लास है, हम लोग का जैसे परिवार होता है यही सब में ही सब होता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आप सही कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, मछली पाठ के लेखक कौन है? बहुत सुंदर, सी नंबर ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल जी इस पाठ के लेखक हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना मध्यम वर्ग। चार नंबर ऑप्शन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? बहुत सुंदर, 1 जनवरी 1900, जिस दिन हम लोग नया साल मनाते हैं उसी दिन इनका जन्म, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। पांच नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य एकेडमी पुरस्कार कब मिला था? पढ़े थे ना, तीन पुरस्कार मिला था, जिसमें एक पुरस्कार था 1990 में मिला था साहित्य एकेडमी पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न है छह नंबर, झोले में कितनी मछलियां थी? वाह, तो झोले में तीन मछलियां थी, जिसमें से एक मर गई थी और दो जिंदा थी। इसीलिए बोलते हैं कहानी को अगर आप पढ़े हैं तो आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। सात नंबर प्रश्न है, संतु के घर से 3 मील दूरी पर कौन सी नदी थी? मोहरा नदी। बहुत सुंदर, कौन सी नदी? जिसके बारे में दीदी ने बताया था कि छोटी नाली से निकल करके मछली बड़ी नाली से होते हुए मोहरा नदी में जाकर गिर जाती है, जो यहां से 3 मील की दूरी पर। तो मोहरा नदी याद रखेंगे। आठ नंबर प्रश्न है, संतु क्यों उदास हो गया? पहला ऑप्शन है, सुन लीजिए, मछली के कटने से, बी है मछली के मर जाने से, सी है मछली के चोरी हो जाने से और डी है मछली के भाग जाने से। हाँ, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, मछली के कट जाने से संतु क्या हो गया? उदास हो गया। नौ नंबर प्रश्न है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? एक मकान के नीचे। पढ़े ना कि जब संतु और लेखक यानी नरेन, जिनका नाम रखा गया है, वे लोग जब बाजार से मछलियां लेकर चलते हैं तो रास्ते में बारिश से बचने के लिए संतु एक मकान के नीचे खड़ा हो जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, पिताजी किससे नाराज थे? पहला ऑप्शन है संतु, बी भग्गू, सी नरेन और डी मछली। किससे नाराज थे? तो वो नरेन और संतु दोनों से नाराज थे, लेकिन नरेन का हाथ पैर तोड़ने के लिए वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गलती दे दिया गया है, भग्गू लिख दिया गया है, आप लोग नरेन पर टिक कीजिएगा। किस पर? नरेन पर।
ग्यारह नंबर प्रश्न है, मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा जाता था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ड्रम के पीछे, बी है टेबल के नीचे, सी है बेड के पीछे, डी है छत के ऊपर। तो इसमें आप ऑप्शन टिक कीजिएगा ड्रम के पीछे। किसके पीछे? आंगन में ड्रम के पीछे। तो आंगन नहीं दिया है, ड्रम के पीछे दिया है। 12 नंबर प्रश्न है, मछलियां कहाँ रखी हुई थी? ऑप्शन नंबर ए नहान घर में, बी कुआं में, सी आंगन में, डी कमरा में। नहान घर में, बाथरूम में रखी गई थी। 13 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर। 14 नंबर प्रश्न है, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? मतलब कहने का अर्थ है, क्या ये निबंध है, कहानी है, नाटक है या उपन्यास है? उपन्यास है। देख लीजिए, आप लेखक का परिचय पार्ट वन पढ़ेंगे तो नौकर की कमीज एक उपन्यास है उनका। 15 नंबर प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? किसने लिखा है इसको? विनोद कुमार शुक्ल। 16 नंबर प्रश्न है, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से। किससे लिया गया है? कल पढ़े थे ना कि महाविद्यालय नामक पुस्तक से ये कहानी ली गई है। 17 नंबर प्रश्न है, कथाकार यानी कि जो लेखक हैं, मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? ताकि मछली मरने का डर था, मछली मरने का, इसलिए वो तेजी से घर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। 18 नंबर है, कौन ठंड से कांप रहा था? संतु। कौन कांप रहा था? संतु। 19 नंबर प्रश्न है, मछली से कौन डर रहा था? वाह, संतु। 20 नंबर प्रश्न है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? मरी हुई मछली या मृत मछली? इसमें ऑप्शन है बी नंबर, मृत मछली यानी कि मरी हुई। 21 नंबर प्रश्न है, मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की माँ। 22 नंबर प्रश्न है, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? देखिए ठेहा नहीं देगा इसमें, भोजपुरी थोड़े ना, पाटा देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, पाटे के ऊपर। 23 नंबर प्रश्न है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता है? माँ को। 24 नंबर प्रश्न है, मछली काटने का काम किनके द्वारा किया जाता था? भागु के द्वारा। भागु कौन था? घर का नौकर। 26 नंबर प्रश्न है, घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी? पिताजी की। पिताजी अब जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि अभी तक मछली आता है नरेन, तो साले के हाथ पैर तोड़ के रख दो, जो होगा सो देखा जाएगा। परिवार के नौकर का नाम क्या था? 28 नंबर प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? देख सवाल को पूछने का तरीका यहाँ पे बदल दिया, तो महाविद्यालय। 29 नंबर, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार इसमें अपना नाम नरेन रखते हैं, उसके छोटे भाई संतु। और लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? पिताजी। तो इस तरह हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और तैयार कीजिए, फिर अगले पार्ट मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो आपके किताब में दिया रहता है। टोटल 16 प्रश्न है, उनका वर्णन होगा। तो आज के लिए इतना ही।